पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बरे पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने, मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने, पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके, इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे आप, देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया शायद, नहीं आपने उनको बुला के फाउंडेशन? अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है, सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे उनके जो इन चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं।